हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने हैशटैग चैनल में एक नया टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के थ्रू। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आज देखते हैं, हमें निकालना है किसी आउटसाइड पॉइंट पर। ये मेरा स्फेयर है, रेडियस आर है, इसे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, मैंने वहाँ पर गॉसियन सरफेस ड्रा किया है। आपको पहले निकालना है आउटसाइड किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर सरफेस पे और फिर इनसाइड पे। आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे आउटसाइड की, तो यहाँ पर स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आप क्या करो, वहां पर छोटा सा पार्ट मान लो। मैंने क्या किया, यहाँ पर छोटा सा पार्ट मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर और इसका एरिया वेक्टर डीएस भी बाहर की ओर, दोनों सेम। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस स्मॉल पार्ट से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया आप निकालोगे तो डी फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है ई डॉट डी एस और क्या कॉस जीरो, कॉस जीरो वन होता है। तो स्मॉल फ्लक्स कितना आ गया आपका ई डॉट डी एस। अब पूरे से निकाल लो, पूरे स्फीयर से, सो टोटल फ्लक्स थ्रू द एस सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया एस है, पूरे से निकाल लो आप तो इंटीग्रेशन करोगे फ्लक्स क्या आ जाएगा आपका, आपको पता होगा फ्लक्स क्या आएगा इंटीग्रेशन में आपका, ये ई और फिर क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी एस सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा गॉसियन सरफेस का, 4πr² ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो आप। आपने पढ़ा हुआ फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्या पढ़ा हुआ आपने गॉस थ्योरम से, आपने पढ़ा हुआ फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है q/ε0। देखो ये 1, 2 को मिला दो, क्योंकि ये भी फ्लक्स है, 2 भी फ्लक्स है फ्रॉम 1, 2, तो आपको क्या मिल गया, आप ये पाओगे e/4πr² इक्वल टू क्या q/ε0। तो आप अब यहां से देख लो, यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ये e इक्वल टू क्या जाएगा 1/4πε0 और क्या q/r². मैंने ये बड़ा की लिया हुआ है, कैपिटल लिया है तो आप कैपिटल लिख सकते हो, उसमें कोई ऐसी कोई क्वेरी उसमें नहीं है, ठीक है, आप कैपिटल भी यूज कर सकते हो। अब कभी कभी ये ना पूछ कर, कभी वो ऑप्शनल में पूछ सकते हैं, कुछ दे देते हैं ऑप्शनल में, क्या दे देते हैं, वो कैसे पूछ लेते हैं वो देखो। आपने पढ़ा हुआ है एक ही और पढ़ा हुआ है, सिंस सिग्मा इक्वल टू क्या होता है चार्ज अपान में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसकी, इस स्फीयर की, कितनी है 4πr², यहां से क्यों निकाल लो, यहां पुट कर दो आप, तो आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट और क्या r² / r². ये पता आपको कहां पर है, ये भी पूछ लेते हैं वो कभी कभी, ये ना पूछ कर वो इसके बारे में पूछ लेते हैं प्रूफ दैट दिस, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब आइए, ये बात हो गई आउटसाइड पे, हमको कहीं निकालना है, कहीं पर सरफेस निकालना है, कहाँ निकालना है, यहाँ सरफेस निकालना है, तो बात करेंगे एट सरफेस, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, क्या सरफेस ऑफ स्फीयर। जब आप इस पॉइंट को उठा के यहां लाओगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो उस टाइम क्या ऐसा हो पाएगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो क्या करो आप, इस वैल्यू को उठाकर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर व्हाट थर्ड, यहां पर आप थर्ड में रख दो, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा e/1/4πε0 देखो q/R², ये भी हो गया, इसकी कोई प्रूविंग नहीं करनी आपको है, या फिर इस टर्म से लोगे आप तो यहाँ से क्या जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड r² यहाँ रखोगे कट जाएगा, तो क्या आएगा σ/ε0 आएगा, देखो सिंपल से सॉल्व हो गया। तो हमने अभी क्या किया, आउटसाइड निकाल लिया, यहाँ पर इतना आ गया, मैंने सरफेस निकाल लिया इतना आ गया। अब मेरे को पॉइंट पी कहीं अंदर दिया, जैसे मान लो पॉइंट पी मेरे पास कहीं यहाँ दिया हुआ है, तो पहले क्या करो आप इस पर गॉसियन सरफेस ड्रा करो, उस पॉइंट को टच करते हुए क्या करोगे आप इस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रा करोगे उस पॉइंट पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे कहाँ पर, एट इनसाइड, तो देखते हैं एट इनसाइड क्या होने वाला है, तो कहाँ बात करना हमको है, तीसरा हमारा एट इनसाइड, ये तो और सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। इनसाइड के लिए क्या होगा आपका, छोटा आर कैपिटल आर बड़ा होगा, क्लियर, कैपिटल आर क्या है थोड़ा बड़ा है। चलिए जब इनसाइड पे निकालना है तो वही आप क्या करोगे, छोटा सा पार्ट मान लोगे तो इलेक्ट्रिक पर कितना जाएगा आपका, वहां पर डी फाई इज इक्वल टू वॉट आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस एरिया डी एच डैश,
सरफेस एरिया ds, तो क्या आएगा a इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये बात मैं अंदर कर रहा हूँ, आप नया फिगर भी बना सकते हो, ठीक है। तो आपका फ्लक्स जो आ गया, ये स्मॉल फ्लक्स की बात किए हैं, ये टोटल फ्लक्स है आपका। तो टोटल फ्लक्स आपका जो आ रहा है, मिल रहा है, वह a इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आप इसमें। अब गॉस थ्योरम से आप क्या पढ़े हुए हो, आपने गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ है q अपान में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन q क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। अब यहाँ पर जीरो अपान एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यों जीरो होगा इस बात को समझो। यहाँ पर देखो, आपने डॉट बनाया गॉसियन सरफेस, सारा का सारा चार्ज कहाँ है, यहाँ पर है, इसके अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं, टोटल चार्ज इसके अंदर क्या है, जीरो है। जो अंदर वाली बात कर रहे हम लोग, यहाँ कोई चार्ज तो है नहीं, मतलब यहाँ चार्ज जीरो है, चार्ज कहाँ है, आउटर पे है। तो q इक्वल टू जीरो, इसे मान लो आप टू, तो फ्रॉम वन टू आप देखो अगर, तो क्या मिलेगा आपको, a इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो e कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनसाइड क्या आती है, जीरो आती है। ये बहुत सिंपल था। अब इसमें एक चीज और पूछते हैं पेपर में, ग्राफ पूछ लेते हैं, वो क्या पूछ लेते हैं, ग्राफ पूछ लेते हैं किसके बीच का ग्राफ, पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ पूछते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, पहले आपको स्फेयर दिया था तो आप ऐसे स्फेयर ना लो, बहुत सिंपल था। इस पे आप एक्स और वाई एक्सिस दिखा दो, जैसे दिखाते आए हो, ये रहा सेंटर, ये रहा एक्स, ये रहा इसका वाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दो, यहाँ पर आप आर दिखा दो। आपको याद होगा अंदर जीरो था, तो अंदर जीरो दिखा दो आप, ये था इसका सरफेस यहाँ तक, ये मान लो यहाँ पर आपका सरफेस कैपिटल आर है। तो आपको सरफेस तो देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई है, 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखो बाहर जो है 1/4, और क्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली है। मतलब क्या होगा, यहाँ तक तो मेरा सरफेस तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है यहाँ तक, इसका नाम होगा E इज इक्वल टू 1/4 नीचे रहेगा ये, और क्या क्यू अपान में आर स्क्वायर। इसके बाद जैसे ही इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस पॉइंट के आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है 1/r² है, जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ग्राफ बहुत सिंपल है, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।